हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैमो कैफे। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल एज फिजिकल तीनों के आपको कंटेंट आपको मिलेंगे। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। 7 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टूडेंट क्या है? The transition metal atom are bound to a number of anion or neutral molecule. उसे हम एक coordination compound बोलते हैं। Transition metals जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके central atom होते हैं। और central atom से जो होते हैं आपके anion और neutral molecule जो bound होते हैं उसे हम coordination compound बोलते हैं। अगर chlorophyll की बात करते हैं, क्लोरोफिल में कौन सा आपका सेंट्रल एटम प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है? आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट आपका मेटल प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो सपोज करिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट, कि एक एग्जाम्पल है सी, मतलब कि एक सी आर जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमियम NH3 6 ब्रैकेट क्लोज Cl3। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? जो ये Cr है ये क्या है? सेंट्रल एटम है। NH3 लिगेंट है। लिगेंट्स के हम टाइप पढ़ेंगे। लिगेंट जो होते हैं आपके एनायनिक लिगेंट होते हैं, कैटायनिक लिगेंट होते हैं, ओके, न्यूट्रल लिगेंट होते हैं। एक वीडियो मैं आपके लिए उसके लिए प्रिपेयर कर दूंगी, जो कि आपके लिए इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इजी रहेगी। जो 6 है, इस 6 को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड जो Cl है, इसे हम क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ये सारी चीज़ें जो होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होती है। हमेशा याद रखिएगा, जो सेंट्रल एटम होता है, जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के पास जो होता है वो मेटल होता है। एंड मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके सेंट्रल एटम होते हैं। एंड देन फिर स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर NH3 है। ये हमेशा क्या होगा? इस सेंट्रल एटम से क्या है कि 6 NH3 क्या है? बाउंड है। क्लियर है? तो दिस इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपसे बेटा काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताइए कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाई होती है किससे? प्राइमरी वैलेंसी बाय चार्ज से सेटिस्फाई की जाती है। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल एटम के, उसके बराबर प्राइमरी वैलेंसी होती है। जैसे हमने ये ऊपर एग्जांपल लिया था कि CrNH3 6 Cl3 है। हमें जो ये प्राइमरी वैलेंसी हम इसकी अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल एटम होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करेंगे। वो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो उसकी क्या होगी? प्राइमरी वैलेंसी होगी। तो हमें इससे पहले हमें क्या समझना होगा कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो जैसे हमने सपोज करिए CrNH3 6 Cl3 है, तो आप जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है आप उसको एक्स एज्यूम करेंगे। NH3 क्या है स्टूडेंट? ये न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो आपने उसको जीरो कंसीडर करा। कितने हैं? 6, 0 × 6 जीरो ही होगा। Cl पे चार्ज कितना होता है? Cl पे चार्ज होता है -1। कितने हैं? 3 × 3। इस पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट? 3। तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई है? 3 हो गई है। क्लियर है स्टूडेंट कि प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है सेंट्रल एटम के, उसके बराबर प्राइमरी वैलेंसी होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल होती है, वो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होती है। वेयर है, जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो आयनाइजेबल थी। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। अगर आपको पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि जो सेंट्रल एटम से जो जितने लिगेंड आपके जुड़ रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई? 6 हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा स्टूडेंट इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी? मैम प्राइमरी वैलेंसी इस पे कितनी होगी? 3 पॉजिटिव चार्ज होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम इसको x मानेंगे, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पूरे पे चार्ज कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। फाइन, किसी को कोई दिक्कत?
अगर कोई दिक्कत आपको वीडियो में आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, आप और एग्जांपल्स लेके आप बताइए, सो दैट मैं आपके और ज़्यादा हेल्प कर सकूँ। देन हम दो टर्म्स को समझेंगे आज स्टूडेंट आज की क्लास में कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। होमो का मतलब जब भी होमो आता है कहीं पर भी केमिस्ट्री के अंदर होमो का मतलब होता है सेम, कि कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल बाउंड टू द ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, जो मेटल जो होता है वो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ डोनर ग्रुप से अटैच होता है उसे हम होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पर CO(H2O)6 पॉजिटिव है, CO इज अ सेंट्रल एटम, अब सेंट्रल एटम से क्या अटैच है, 6 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के अटैच है, तो सिर्फ सेम मॉलिक्यूल जो अटैच है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स आयन इन विच मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप, जिसमें एक से ज्यादा डोनर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हियर हेट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट डिफरेंट, अगर कोई डिफरेंट एटम्स उसके साथ या मॉलिक्यूल अटैच होगा लिगेंड के साथ देन उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर सी आपको बताया कि NH3 के 4 है और Cl कितने हैं, 2 है, तो ये सेंट्रल एटम से हमने अटैच कर रखा है। तो होगा क्या बेटा स्टूडेंट कि आप ये देखिए डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट, होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कंटिन्यूटी बना के रखिए तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू एंड सपोर्ट दिस चैनल।